मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे पिताजी के पुराने मित्र राज साहब ठाकरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने आई हूँ, इतना ही मैं कहती हूँ। क्या इससे कोई राजनीति? मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और इसमें कोई राजनीति का पटकेले न मनाई है और मैं यहाँ पे सिर्फ राज साहब को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को यह सफाई क्यों देनी पड़ी? वजह ये कि पूनम महाजन टिकट बंटवारे के इस गर्मा गर्म माहौल में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिलने उनके घर जा पहुंची। कसं आहे, मी आता पूनम बहिणीसारखी साहित्य लहान परिवारातली आहे, या सगळ्या याच्यातले प्रमोदजींशी आणि आमचे माझे असलेले आमचे अगदी घरोब्याचे संबंध होते, त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींकडे प्रत्येक वेळेला काही राजकीय चौकटीतनंच पाहिलं पाहिजे असा काही भाग नसतो ना। राज ठाकरे राजनीतिक मकसद से इनकार कर रहे हैं पर उनकी पार्टी के नेता इस मुलाकात का भविष्य तलाश रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि पूनम महाजन जी हमारे साथ आए, हम कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि दक्षिण मुंबई की सीट शिवसेना के पास जाने से पूनम का पत्ता दोस्ती में कट गया और उत्तर पूर्व में बीजेपी ने पूनम के फूफा गोपीनाथ मुंडे की अपील के बावजूद टिकट किरीट सुमैया को दे दिया। पूनम महाजन जी को क्यों नहीं टिकट दिया, इसका मैं जवाब कैसे दूं? मैंने तो मांगा था, अब उसके बारे में नहीं देने का फैसला किया, वो भी मुझे मंजूर है। वैसे भी राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता और चुनावी मौसम में तो खासकर, लिहाजा इस पारिवारिक मुलाकात के राजनीतिक मकसद निकालने से राजनीतिक पंडित नहीं चूक रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे और पूनम महाजन दोनों ने साफ कर दिया है कि इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ होने से पहले बहुत कुछ होता है और बीजेपी में दबी आवाज में ये चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में पूनम महाजन की ओर से कोई चौंकाने वाली खबर आ सकती है। मयंक भागवत के साथ जितेंद्र दीक्षित, स्टार न्यूज, मुंबई।